न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के 6 खिलाड़ी कोरोना का शिकार। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर 6 क्रिकेटर्स को आइसोलेट कर दिया गया। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने कोरोना के शिकार खिलाड़ियों के नाम जाहिर नहीं किए। कोरोना के शिकार स्क्वाड के 2 अराकीन को पहले भी कोरोना हो चुका। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ कमरे अदालत में खामोश बैठे रहे। शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ीर। मुल्क भर में आज से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी से स्कूल कॉलेजेस और मदारिस खुलेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। अंडरपास से डिफेंस कैवलरी गुलबर्ग आने जाने वालों को फायदा होगा। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रजाक चौहान वज़ीर-ए-आला को मजीद 2 मंसूबों की ब्रीफिंग देंगे। बेगम शमीम अख्तर की नमाज़े जनाजा जुमे को रिजन पार्क मस्जिद लंदन में अदा की जाएगी। शरीफ फैमिली ने रिजन पार्क मस्जिद इंतजामिया को आगाह कर दिया। नमाज़े जनाजा के बाद मैयत पाकिस्तान रवाना की जाएगी। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उमरा में होगी। अवाम की आवाज 24 न्यूज की बंदिश का 87वां रोज। अवाम पसंदीदा चैनल और हकाइक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफी और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क। फूलनगर हबीबाबाद पत्तोकी ओकाड़ा साहिवाल हरूनाबाद में धुंध छाई रही। पहाड़ों पर बर्फबारी। कराची का मौसम भी ठंडा ठार। लाहौर एयरपोर्ट पर 6 परवाजें मनसूख। 7 ताखीर का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान क्रिकेटर खुशदिल शाह के वालिद इंतकाल कर गए। नमाज़े जनाजा आज बन्नू में अदा की जाएगी। खुशदिल शाह न्यूजीलैंड में टीम के साथ मौजूद हैं।